बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैं इंस्टीट्यूट के नाम क्यों नहीं बताता हूँ। आप लोग कमेंट्स करते हो बहुत ज़्यादा कि कोई इंस्टीट्यूट प्रेफर कर दो, कोई इंस्टीट्यूट का नाम बता दो, तो वही डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना IT इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों उसका बिहाइंड द रीजन यही होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ABC.com करके आपको एक इंस्टीट्यूट का नाम बता दिया। अब आप वहाँ पे गए, वहाँ पे विजिट करा, वहाँ पे सारी चीज़ें बात करी। अब दोस्तों यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपने वहाँ पे बात कैसे करी है, आपने वहाँ पे डील कैसे करी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊँगा, आप अगर मेरे साथ जाओगे, तो मैं 100 तो नहीं लेकिन 99% की श्योरिटी जरूर ले लूँगा कि हाँ काम हो जाएगा। अब दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको नाम बता दिया, आप वहाँ पे गए, आपने पता नहीं किस तरीके से वहाँ पे डील करी, कल को आपको जॉब मिल जाए और उसके बाद वहाँ से टर्मिनेट हो जाओ। जब आप वहाँ से टर्मिनेट हो जाओगे तो फिर यही आप बोलोगे या मन में सोचोगे कि यार मैंने शुभम ने बताया कि यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे मैं चला गया और उस इंस्टीट्यूट ने मेरे पैसे भी ले लिए 10-15 हज़ार, वो मेरा पैसा फंस गया। सिर्फ यही एक कारण होता है कि मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताता हूँ, क्योंकि कल को अगर प्रॉब्लम्स आए, कुछ और दिक्कत आए, तो ब्लेम वो मेरे ऊपर ना आए या आप लोग मेरे को मत बोलो कि आपने वो इंस्टीट्यूट बताया था और वहाँ पे जाके मैंने बात करी और वहाँ पे मेरा पैसा फंस गया और वहाँ से मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर आप लोग मेरे एरिया से हो या आसपास हो कहीं, तो मैं इंस्टीट्यूट पे जाके वहाँ पे विजिट करूँ, वहाँ पे बात करूँ और कुछ इस तरीके से डील करूँ कि वहाँ पे हो जाए वो सारी चीज़ें एकदम, मतलब काफ़ी अच्छे से हो जाएं। अब आप जाते हो या कोई, आप मेल हो या फीमेल हो डोंट नो, लेकिन आप वहाँ पे जाते हो, किस तरीके से बात करते हो, कैसे वहाँ पे डील होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती हैं। क्योंकि कई इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको फंसा देंगे, आप पैसे भी ले लेंगे और आपका पैसा भी वहाँ पे फंस जाएगा। तो यही है दोस्तों, मैं इसीलिए इंस्टीट्यूट के नाम नहीं बताता क्यों वहाँ, क्योंकि आप वहाँ पर जाओगे, आप कैसे बात कर रहे हो, क्या डील कर रहे हो, पता नहीं वो इंस्टीट्यूट हो कैसे या आपके साथ कैसा बिहेव करे, आपके साथ कैसा ट्रीट करे, तो वही सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से मैं नहीं बताता, कोई वो नहीं है यार कि नहीं मैं बताता ही नहीं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने किया था, अगर वो इस टाइम ओपन होता तो मैं वहाँ का 100% बता देता, मैं वहाँ का खुद प्रेफर कर देता कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि उस पे मेरा बिलीव था, उस पे मेरा ट्रस्ट था, इसलिए मैं वहाँ पे जाके बोल रहा। लेकिन अभी हुआ क्या है, कुछ दिन पहले मैंने वहाँ पे एज अ ट्रेनर की जॉब करा था एक्चुअली, तो मुझे वहाँ पे अच्छे खासे लोग जानते थे और काफ़ी कैंडिडेट्स की हायरिंग भी कराई वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर वो ओपन होता, बेसिकली अभी उन्होंने क्या किया, वो इंस्टीट्यूट क्लोज करके वहाँ पे उन्होंने एयरटेल की कंपनी खोल ली है, यानी कि एयरटेल का कॉल सेंटर ओपन कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उनका बन चुका है। इस वजह से उन्होंने इंस्टीट्यूट का वो बंद कर दिया है। अगर वो होता तो मैं खुद प्रेफर कर देता कि आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे सीख लो और वहाँ पे वो ये सारी चीज़ें मैनेज कर देंगे। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने वाला। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आने का चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा हो, वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर कन्फ्यूजन और डाउट्स के वीडियोस आते रहते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कमेंट्स है तो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।